हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? तो आज मैं लीसा ईयर से एक यूट्यूब चैनल है, मेरे दोस्त का चैनल है, तो आज मैं उसके ऊपर रिएक्शन एंड रोस्टिंग करेंगे एंड यसु के चैलेंज पे। तो वीडियो में ये वाली 20 साल से वही टेस्ट। तो थोड़ी बातें कर लो। और या उनसे थोड़ी सी बातें कर लो। मेरे से तो यीशु का चैलेंज है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। भाई भाई ना, 8 महीने में क्या करेंगे? तो प्लीज मुझे भी सपोर्ट किया करो यार। तो चलो अब तो आवाज करके बोलूंगा। फाइनली पूजा आ गया। किधर किधर? अबे मैं दुर्गा पूजा की बात कर रहा हूँ। मुझे साले के रिएक्शन देख के लग रहा है कि क्यों फिर लाइक आ रहा है यार, क्या गोलू यार तू भी। तो देखते दुर्गा और पूजा दोनों ही आए हैं। भाई उसका मतलब पूजा से था, दुर्गा पूजा से था, पूजा और दुर्गा पूजा से नहीं था। तू पता नहीं गोलू क्या क्या सोचता, साले का ध्यान भटक जाता है ऐसे कामों से। नहीं, इसे तो सिर्फ बंक मारने लेट आना है और कुछ नहीं करना। ठीक है चलो आगे भाई, मैं देखते थोड़ी हैं। देर चुप ही रह लेता हूँ। अरे चल सारे मिलके चंदा लेने जाते हैं, क्या कहता है? भाई पापा नहीं मानेंगे। अबे मर्डर कर रहे हैं कि पापा नहीं मानेंगे, चंदा ही। ये भी पापा नहीं मानते यार चंदा, मगर ये मर्डर की बात ला के बिल्कुल गलत किया यार। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो एंड थैंक्स जिन्होंने सब्सक्राइब किया। एंड बहुत यार प्लीज देखा करो मेरी वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया। तो चलो स्टोरी का मजा लेते, ज्यादा बातें नहीं तो लेने जा रहे हैं। मेरे पापा की बात कौन कर रहा है? अरे चंदा के बाप के सामने उसे उठाओगे, उसका बाप कुछ नहीं कहेगा। भाई। दुर्गा पूजा का चंदा था मतलब चंदा लड़की को किडनैप नहीं करना है? नहीं, लेकिन दिमाग में सिर्फ ऐसी बातें घुसती रहती है। आज मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा क्योंकि मेरे ही सामने मेरी बहन बैठी, हड्डियां तोड़ देगी सारी। अबे चंदा मत। भाई बंदे की मेहनत है यार, पीछे देखो बिल्कुल रिएक्शन का साउंड चल रहा है यार, बंदे ने मेहनत की है यार। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करते हो, भी खास के एनिमेशन में हड्डियां टूट जाते, गांठ फट जाते हैं वीडियो। पूजा वाला चंदा? ओ पूजा की बहन चंदा। हाँ उसे पूजा क्रिकेट मिस हो गया। अबे चंदा मतलब पूजा वाला चंदा। ओ पूजा भाई पूजा वाला चंदा से मतलब ये था कि भाई पूजा वाली चंदा से मतलब यही था कि पूजा के लिए चंदा मांगना, ना कि पूजा की बहन चंदा को किडनैप करना। गोलू के दिमाग में सिर्फ ऐसी ही बातें घुसती रहती जैकी बहन चंदा। हाँ उसे उठा सकते हो, वो हल्का है। भाई पूजा की बहन हल्की है तो क्या उसका किडनैप कर लोगे और बाप से पैसे मांगोगे? दे तू इस ऐसे दोस्त के चक्कर में अच्छे अच्छे भाई दिमाग खराब हो जाता है, पागल हो जाता है, सिर्फ फोड़ने का मन करता है। और क्या बोलूं, देखो यार अबे सिर्फ फोड़ भी रहा है एक बच्चे लेकर। तो मैं दुर्गा पूजा के पैसे कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। ओ ऐसे कहो ना। बोल नहीं, अब इस गधे को समझ में आया कि दुर्गा पूजा के पैसे कलेक्शन की बात हो रही है, किडनैपिंग की नहीं। नहीं सकते हो तुम लोग। पूजा वाले चंदा नहीं जाऊंगा। क्यों? हर बार तुम लोग देशभक्ति लगा देते हो, पैसे नहीं खाएंगे पैसे नहीं खाएंगे। मेहनत करते हैं हम, लड्डू खाते हैं वो सीनियर। मैं नहीं जाने वाला। ठीक है गोलू, इस बार हम भी पैसे खाएंगे। पूजा के पैसे भगवान पाप देगा, तू गोलू को क्या? भाई पूजा के पैसे भी ये खा जाएंगे, ऐसे मैंने कितने खाए यार। नहीं बात तो छोड़ो, मगर ऐसे कान किस किस ने किया भाई, कमेंट पे जरूर लिखना। हाले तुम लोग कमेंट बहुत नहीं करते यार, बहुत लोग कमेंट नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते,
तुम चाहते क्या हो यार? मेहनत तो करता हूँ, वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। ऐसे प्रोजेक्ट के नाम पे हमने कितने कितने पैसे उड़ाए और कितने स्कूल बच्चों ने गवर्नमेंट स्कूल को चूना लगाया है। भाई यार लाइक कर दो अगर जितनों ने भी किया है, और सब्सक्राइब करके जाना, और ज्यादा से करो। अगर अबे अभी गोलू को ले जाना, इम्पोर्टेंट है कि सच बताना। अरे यार इतनी बड़ी दिमाग कहाँ रखता है। ठीक है आज शाम को मिलते हैं सब। यश गोलू को ही बाटली में उतारने की कोशिश कर रहा है, पीछे रिएक्शन बिल्कुल पूजा की वाइफ से आ रही है यार। माँ दुर्गा रागो मोने उल्लासे आलिंगने महामारी मुझे जाले क्या चाहिए इंडियन। एंड क्या भाई देखो क्या मेहनत की है भाई, डोर बेल की नॉक करने में भी, मतलब प्रेस करने में भी उसकी बिल्कुल करेक्ट टाइमिंग पे साउंड डाली है। और ये डिलीवरी बॉय पिज़्ज़ा कौन है? पिज़्ज़ा दुर्गा पूजा का चंदा भाई। ऐसी तरीके भाई, ऐसे तरीका अगर मैंने अपने मोहल्ले में किया ना, सब मुझे उठा के पटक डालेंगे। पिज्जा बॉय डिलीवरी बॉय बन के चंदा मांगने आते हो, पिज्जा देने के नाम पे पैसे लेके जाते हो, वो भी चंदा के लिए, पूजा के लिए, उसमें भी तुम अपना हिस्सा ले जाते हो, पैसे गायब कर जाते हो। अरे कहाँ खो गए, जल्दी दो जल्दी दो, और भी घर में जाना है। कौन से क्लब से हो? सीसीटीवी, सीसीटीवी क्लब। क्या चोर चुट्टा क्लब? छम्मक छलो तंत्र भट्टी क्लब। क्या 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 चोरो, जल्दी पैसे निकालो। इससे पहले तो मैंने इस क्लब का नाम ही नहीं सुना है, पहले ये बताओ ये क्लब किधर है? अरे अरे वो घर है ना ऐसे। आंटी आपको क्या इतना अता पता करना है कि कौन सा क्लब कहाँ है यार? चुपचाप से कुछ पैसे दो और इसे भगाओ यार। नहीं इन्हें तो पूरी डिटेल चाहिए, गॉसिप करने में मजा आता है ना लड़कियों को। तो हाउस एसन हाउस किधर? अरे आलीशान घर आपको पता नहीं है? सुनने में किसी कूड़े वाला का घर लग रहा है। हाँ उसी घर के सामने हमारा क्लब है। अरे आंटी हम यहीं के हैं। वो सब ठीक है पर एसन हाउस कौन सा है? आपके घर में इतनी लिखा है स्वर्ग निवास हाउस। गोलू पिटने के काम कर रहा है। अबे गोलू तो सिर्फ पिटने के ही काम करता रहता है यार, क्या दिखाया है ये सुने। आंटी किधर खो गए, जल्दी पैसे दो ना। किधर लिखा हुआ है? अरे नीचे नीचे। इधर तो पिन नंबर है, पैसे किधर है? वही पैसे है। क्या 9,999? अरे अरे गलती होगी वापस दो वापस दो। मात्र लिखना भूल गया था। ये लो 5 रुपए। क्या क्या आंटी हार्ट अटैक दोगे क्या? तुम लोगों ने तो इसे एक धंधा बना के रखा है, सिर्फ चंदा चंदा। भाई चंदा अपनी मर्जी से जितना देना चाहे इंसान उतना देता है, तू तो 9,999 रुपए ले है भाई, मतलब 10,000 ही तू ठग रहा है यार। इतना पैसा भाई, इंसान की नॉर्मल इंसान की 25-50 हजार सैलरी होते है, उसमें भी अगर तू 10,000 चंदा मांगने में, यार रईसों के खानदान से पैदा हुआ है क्या तू? ये गोलू का दिमाग हिला हुआ है शायद थोड़ा, और ये यस का भी। यसु चलो सरस्वती पूजा के पहले सरस्वती पूजा का चंदा, काली पूजा के पहले काली पूजा का चंदा, कितना पूजा करना होता है? और ये पूजा है क्या पार्टी? कितने पैसे चाहिए तुम लोगों को? हमारे घर में भाई पार्टी में लोग पैसे उड़ाते जाते, ये थोड़े पैसे, मगर ये थोड़े नहीं बहुत ज्यादा यार। इतने सारे चंदा लोग लेके जाते यार, उतना काम करते हो तुम लोग, जितना तुम लोग चंदा लेके जाते हो हमसे। भी पूछा है तुम लोग पैसे दे सकते हो? ऐसे तो हम भी सिंगल है, आपके अपने बेटी का नंबर हमें दे सकते हो? भाई बिल्कुल एक टाइम पे क्या बात बोली है यार, अपनी बेटी का नंबर दे सकते हो, हम भी सिंगल है यार। एक एक सिंगल इंसान के दिल पे लगती है यार लोन दे के। आई मीन भाई तू इतने पैसे कहाँ से लाता है? भाई मेरी नौकरी से तो आ रही है, और मैं साथ साथ में अपने ओपिनियन दे के साइड में प्रूफों में भी तो पैसे। पास है पता नहीं यार इसका हर बार का है। ओ रहा गोलू,
गोलू गोलगप्पा खा रहा है क्या? गोलू दिन भर या तो खाता रहता है, सोता रहता है, या तो लेट आता है। स्कूल पे भी आज तक टाइम पे नहीं पहुंचा। और भाई इसके क्लास में कितने बच्चे हैं? यस और गोलू का रोल नंबर 99 और 100 है यार। सोच सकते हो कितने बच्चे होंगे एक क्लासरूम में। भाई एनिमेट जब कर रहा था तो क्या दिमाग हिला हुआ था। और ये बैक बेंचर हमेशा 25 मार्क्स और खुद कहते हैं अगर एक मार्क्स भी कम आया तो हम फेल हो जाएंगे। और फेल होने पे तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं हम सब तो अच्छे से जानते हैं। भाई किस किस को लग पाई है यार। और जिन जो जो बैक बेंचर या कम मार्क्स लाते वो सब अपने नाम प्लीज नीचे लिख देगा। गोलगप्पे अकेले अकेले चल रहे। अरे भाई तुम लोग को बताने वाला था, तुम लोग खाओगे नेकी और पूछ पूछ? भाई मैंने कहा तुम लोग खाओगे नेकी और पूछ पूछ क्या करेंगे? अरे हाँ हाँ खाऊंगा भैया, इन सबको एक चाट लगा दो। ओए गोलू इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? भाई दुर्गा पूजा के चंदे के पैसे से ही तो खा रहे हो। क्या चंदे के पैसे? अबे गोलू तू पागल हो? बिल्कुल सही दिमाग लगाया, चंदा वसूलो, पूजा के नाम पे चंदा वसूलो और अपने जेब में डालो और खाते पीते रहो। यही तो करना होता है हम लोगों को, और क्या करेंगे? जिन भाई गलियों में खेलने वाले बैक बेंचर ये और क्या दिमाग इनका। देखो बिजनेस, चंदा को बिजनेस बना दिया यार, ऐसा बिजनेस जो मैं क्या करूं। हो चुका है क्या? अंकल सबके चाट ले लो एंड सबको पानी पूरी दो, अब कुछ खाना है तो। भाई मतलब चंदा के पैसे में तू डिस्काउंट कर रहा है यार, मतलब छोड़ नहीं सकता। यस कम कम खाएगा, सस्ता खाएगा, मगर छोड़ेगा नहीं। चंदा के पैसे से खाना है तो कुछ अच्छा ही खा। यस तू क्या कह रहा है? भगवान के पैसे पाप देगा? मैं तो गलत सोच रहा था शायद। कुछ अगर चंदा के पैसों से कुछ खाना है तो कुछ अच्छा खाओ, कुछ महंगा दे रहा है और टेस्टी है क्या चाट से? भाई यस यस मैं घर पे डिलीवर कर दियो सले। आजकल के बच्चे भी ना, तुम्हारे जमाने के जब हम थे ना एक रुपए भी टच नहीं करते थे तो चंदा कैसे लेते थे? मतलब एक रुपए भी नहीं खाते थे। आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही हवे में उड़ रहे हैं। अंकल पहले अंकल अगर आप एक रुपए भी नहीं खाते थे तो आप खाते कहते? आपके पास पैसे कहां से आते थे? भूखे मर जाते क्या? क्या इंसान है यार इंसान। भाई वो चाट वाले को सॉरी पानी पूरी वाले को अपने पैसे से मतलब होना चाहिए। सामान दे पैसा ले, दूसरी चीजों में क्यों ताम घुसेर रहा है तू? पहले ये बताओ ये चंदा कौन लेने जा रहा है? तुम लोग किसके लिए? दुर्गा माँ? तो दुर्गा जी हमारे क्या हुए? भगवान? अरे नहीं नहीं अच्छा भगवान, अरे समझ नहीं रहे हो क्यों आप? ओ बहुत अच्छा भगवान, दुर्गा माँ, दुर्गा माँ। ओ दुर्गा जी तुम्हारे माँ हुए हाँ, तो माँ का पैसा बेटा नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? क्या दिमाग लगाया, दुर्गा माँ हमारी भगवान है, माँ है तो माँ का पैसा बेटा नहीं खाएगा? भाई क्या लॉजिक दिया है गोलू, तेरी बात पे ताली बजाने का मन करता है। और प्लीज मेरी बहना इन सारी चीजों के बारे में मम्मी को मत बता दियो, नहीं तो हड्डियां तोड़ देंगी मेरी। और तुम लोग यहाँ वीडियो देखने में जान दो, मेरी पर्सनल बातें सुनने की जरूरत नहीं है। ओ जाओ मत, मजाक कर रहा था। भाई जो भी कह ले मैं तो नहीं खाने वाला। वो सीनियर्स कितने मेहनत कर रहे हैं और हम यहाँ पर अय्याशीगिरी कर रहे हैं। वो वाले सीनियर मतलब सीनियर्स तो इनसे भी भय है। ये पानी पूरी खा ले, वहा देखो पूरा थाली भर के खाना। और भाई खान यार थोड़ी और अच्छी एनिमेशन बहुत अच्छी करता है, और अच्छी एनिमेशन कर लेता है यार। ये लुक तो बेकार दिया है खाने का, एंड देख हाँ खाने का लुक बहुत बेकार है। चलो कोई बात नहीं यशु, आगे देखते हैं। अरे भाई बुरा मत मानियो वीडियो में, यशु के लिए लीला यस। और ये और प्लीज भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। भैया एक चाट पापड़ी लगाओ तो मतलब साथ। साले को खाना है तो खाओ और खाओ, सीनियर खा रहे तो तुम भी खाओ।
चलो जब तक ये ऐड चल रहा है तुम लोग मेरी शक्ल देखो और थोड़ी बातें करते हम लोग, तो जो क्या क्या कमेंट आए वो थोड़ी देख लेते। बंगाली आई अंडरस्टैंड दिस फीलिंग, कैसा हम लोग 307 दिन इंतजार करते हैं। भाई 307 दिन होते कहाँ है, 356 डे होते हैं साल में, 356 डे होते हैं। ये 4 दिन कहाँ से एक्स्ट्रा के बैठा पाया है। कितने होते हैं स्वीटी ऐसे, 365 है ना, 366। 365, सॉरी सॉरी, 5 दिन कहाँ कम हो गए इसके, 56 होते हैं या 65 होते हैं 365 होते हैं बना, 366 होते हैं। हाँ ये पक्का ना। हाँ ज्यादातर भाई 5 दिन कम कर दिए इसने तो। 365 चो होते हैं। यार कोई बात नहीं, देखते हैं। वन मिनट फ्रेंड्स, तो ही फॉर्म बोलू तू पागल हो चुका है क्या अंकल, सबके चार्ट ले लो एंड सबको पानी में गाड़ दे। ओ दुर्गा जी तुम्हारे आओ तो भैया एक चाट पापड़ी लग, मतलब और खाना है इसके चंदा के पैसे, चंदे दुर्गा पूजा की काम में नहीं लगाना चंदे के पैसे को, अपना पेट भरने पे ध्यान है। गो लड़के को लौंडे को, यार तुम लोगों का दिमाग हटे रहा है क्या। लगाओ तो प्रैक्टिस करते रहो, मैं जरा वो शिमला आंटी के घर से आती हूँ। वाह भाई क्या बेसुआ बजा रही है यार इसकी बहन, यस की बहन, मगर क्या मुंह पे तो टाइप करनी पड़ेगी, और क्या कर सकते हैं। नहीं तो ये हमारी बहन जो हमें पीटती है मार, सॉरी तेरी बात नहीं कर रहा मैं, दूसरों की बात कर रहा हूँ। मेरी बहन मेरी बगल में भी है, हड्डियां नहीं नहीं बहुत अच्छी है। क्या गाना गाया प्रीति, तो कौवे को कब से भगाने की कोशिश कर रहा था, कौवे भी फाइनली तेरे गाने सुन के दोनों ही टपक गए। भाई मुझे लगा कौवे भाग गए, नहीं मर गए इसके, इतना बेसुमार गाती है कि दोनों कौवे खत्म टपक गए। और इस यस का दोस्त गोलू उससे भी ज्यादा महाबेसुआ, महाबेसुआ इंसान है यार, ऐसा मैं भी हूं। गोलो यार तेरे मधु संगत सुन के कौवे लोग फिर से जिंदा हो गए। अरे यार भाई इतना बड़ा झूठ, इतना बेसुरा गाता है यार, उसको सुन के कौवे मैं हुए कौवे वापिस जिंदा हो गए, ये कैसे हो सकता है। मैं आंखों में आंसू आ रहे यार, सच में आ रहे यार, मजाक नहीं कर रहा। करूं मैं इतना अच्छा गाना गाता हूँ। तुम लोग इधर जाओ, अभी मुझे प्रैक्टिस करना है, कंपटीशन में मुझे फर्स्ट आना है। सब चोर, प्रीति तूने पियानो खरीदा हम लोगों को बताया भी नहीं। अरे बुद्धू कहीं के भाई, पहली बात तो उसे कंपटीशन में फर्स्ट आना है, उसे प्रैक्टिस करने दो। ऐसे भी हमारी मेरी बहन तो बहुत टॉप है क्लास की, वो टॉप करती है, 90% से ज्यादा मार्क्स लाती है, और इसे भी अपनी क्लास में टॉप करना होगा, पार्टिसिपेशन में फर्स्ट आना होगा, सॉरी कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आना होगा। और पहली बात ये पियानो नहीं है, पियानो वो दूसरा वाला क्या होता है, हारमोनियम। हारमोनियम, हारमोनियम है यार। भाई गोलू को इतना फर्क नहीं पता है, क्लास में हमेशा लेट आने वाला, फर्स्ट पीरियड को छोड़ के सारे पीरियड बंक करने वाला, वो भी अटेंडेंस लगाने के लिए आता है फर्स्ट पीरियड, नहीं तो वो सारे पीरियड बंक करता है गोलू, वो भी साल के 365 दिन।
पियानो दिख रहा है, गिटार है, गिटार। अबे म्यूजिक के साथ और इसकी बैंड तो इससे भी भाई पागल है यार, वो गिटार नहीं है। क्या जानती है फिर म्यूजिक के बारे में? कुछ नहीं जानती। मेरी बहन क्या जानते है, ऐसे भी उसने म्यूजिक लेके रखा है। तभी फेलो, तबला है तबला। ठीक है। ओ यस, तो इससे भी भाया, इससे भी भाया। हाँ आगे तुम लोग जो लेना, डैश 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 है, मैं बोलना नहीं चाहता। इससे भी भाया महा पागल इंसान, महा बेवकूफ, महा मूर्ख इंसान है यार वो। तबला नहीं, हारमोनियम है यार। लो तबला है तबला। ठीक है, अब यहाँ से जाओ, मुझे प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कर रहा है, जरा हमें भी तो सुना गाना। जी हर मतलब हर पॉइंट पे तूने सुर ताल। भाई बेचारी बहुत मेहनत कर रही है, कमियां मत निकाल, मान तो कमियां होती है। ताल पकड़े, मजा नहीं आया, तुझे फर्स्ट होना है ना। हाँ। कैसे भी करके फाइनली ये परफॉर्मेंस खत्म हो गया। मतलब भाई इसका यस चक्कर क्या चलाएगा, किसी भी हालत में फर्स्ट कैसे करवाएगा अपनी बहन को यार। अरे भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब के बटन को गोली मार के जाओ, जाओ मत, मतलब मेरे साथ बने रहो, वीडियो देखते रहो। एंड अब बारी है प्रीति की, तो हमारा अगला कंटेस्टेंट है प्रीति। प्रीति हारमोनियम के साथ हमें गाना बजा के दिखाएंगे। हारमोनियम क्या होता है? चाली से स्वागत किया जाए प्रीति का। मेरे प्यारे दोस्तों यस और गोलू, हारमोनियम वो चीज है जो अभी आपकी बहन बजाने वाली है, जो अब घर में बजा रही थी, जिसे तुम तबला गिटार कह रहे थे, और इतनी बेसुई आवाज है गोलू और यस की बहन की कि कोई भी बेहोश हो जाएगा, खासकर गोलू की। और क्या यार, क्या सोच के इस तरह कंपटीशन में पार्ट लिया है, कुछ आता जाता तो है नहीं, और और किसने लेने दिया पार्ट। आगे चलो बहुत ज्यादा मेहनत की, ये सब इसको किसने सिखाया? भाई ये यस और गोलू सच में वे पागल सा ने क्या क्या सिखा दिया अपनी बहन को। अब जो यस की माँ जो उसे मार लगाएगी मेरे साथ, फिर मार यार, और ये टीचरों से दांत तो, और भाई मगर इनको बेइज्जती महसूस होती कहा है इन दोनों की, इतने साल से सिर्फ पास होते जा रहे हैं, अगर एक मार्क्स भी किसी सब्जेक्ट में कम हुआ ना फेल हो जाएंगे। वो बन गया भाई रिवॉल्वर का करप्शन। भाई यस भाई, ऐसे सपने नहीं देखा करते, और ऐसे सपने सच भी नहीं होते। बंदे ने रिएक्शन बहुत अच्छा दिया, देखो क्या रिएक्शन दिया है यार, ऐसे भाई बाइकी से काम किया है बंदे ने, मानना पड़ेगा बाइकी से काम किया है। वही पीछे भाई पास वाले क्लब के बंदे हम पे हमले कर दिए, जल्दी चलो जल्दी चलो। असलियत तो देखो, अभी असली बंदूक के बारे में सोच रहा था, और यहाँ खुद रखती बंदूक, वो भी क्या बच्चों की, वो भी ऐसी, और क्या पास वाले क्लब ने तुम पे हमला करेंगे यार, तुम बच्चे हो यार, नहीं इन्हें तो कुछ समझ में नहीं आता। भाई रहने दे, पता नहीं ये घर वालों ने ये क्या किया। AK-47 with laser gun। तुम लोगों को चाहिए क्या? गोलू तू ले ले। नहीं भाई तुम्हारे पास कोई बंदूक नहीं है, तुम ले लो, मैं एडजस्ट कर लूंगा, तू ही ले ले। ठीक है मैं ही लेता हूँ। फिर तुझे बोलना था मैं नहीं लूंगा। तुम लोग झगड़ो नहीं, आधा आधा मैच खेल लेना। और भाई देख लेजर है, रात में सबके घर में लेजर मारेंगे। हाँ। तुम लोग भाई AK-47 को किस बाहर इंसान इनके हाथों में दे रही है, और ये असली हो भी नहीं सकती यार, ऐसे लेने की जरूरत नहीं है, इतनी खतरनाक गन कोई देगा क्या बच्चों के हाथ में।
भैया पंडित लोगों का लेजर मारना हो गया तो जल्दी आओ, अंजलि देनी है, मुहूर्त निकला जा रहा है। भाई पहले पूजा कर लेना चाहिए, कौन कौन भक्त है वो कमेंट करके जाए। जय मां दुर्गा। ऐसे मैं कोई भक्त नहीं हूँ, ऐसे मैं गॉड पे अखिल भी नहीं करता। चलो मुझे बुरा मत मानना, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ इसलिए उतनी ज्यादा आस्था है नहीं भी। चलो कोई बात नहीं। माँ दुर्गा रागो मोने उल्लासे आलिंगने महामारी मुझे जाबे आज। ओ किस लड़की पे लाइट मार रहा है यार, कम से कम औकात देख लिया कर, और पूजा में बैठ के लाइट मार रहा है। बस थोड़ी सी तो ख्याल रख ले, पीछे अगर सीनियर होंगे तो क्या कहेंगे। क्या वो वाले सीनियर ओके लगते हैं भाई, इनके सीने इससे भी भाई बात दे छोड़े। सही पूरा तेरा AK-47 दे तो मुझे। इससे क्या होता है पता नहीं यार, सीनियर्स लोग ने कहा है इससे बंदियां सेट होती है, पर सीनियर्स लोग तो खुद ही सिंगल है। अरे अरे कम फूल डाल रहा हूँ ना, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। भाई इससे लड़कियां खुश नहीं होती, लड़कियों को और गुस्सा आता है कि उठ पे कोई अगर ऐसा फूल फेंके तो। अबे यश गोलू दिखाई नहीं दे रहा है, ये बाली तो मेरी होगी पक्का। अब मैं भाई तुम जिंदगी भर सिंगल रहने वाले, सिंगल रहने वालों में से हो। रहने वालों क्या है, तुम लोग हमेशा जिंदगी भर सिंगल रहोगे, मैं लिख के देता हूँ। सिंगल नहीं मरूंगा। अरे कौन उड़ा छत पे? अरे कोई नहीं। नमस्कार तुम्हारी सबाई की दुर्गा पूजा उपरीम शुभेच्छा हो। थैंक यू भाई, थैंक यू बेटा। वीडियो खत्म, एंड सब्सक्राइब करते ज्यादा, लाइक करते ज्यादा। बाय।